देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए पेपर लीक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 1975 में लगाई गई इमरजेंसी की भी निंदा की। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू ने महिलाओं, किसानों और अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार का विजन रखा और उनकी उपलब्धियां गिनाई। इस लोकसभा में जनकल्याण के फसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। संसद के दोनों सदनों में कल विपक्ष नीट का मुद्दा उठाने वाला है। इसका फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई INDIA की बैठक में लिया गया। सबसे पहले विपक्ष दोनों सदनों में नीट पर स्थगन प्रस्ताव लाएगा। इसके बाद नोटिस देकर नीट पर चर्चा की मांग करेगा। विपक्ष के नेता अपने भाषण में भी नीट के मुद्दे पर ही फोकस करेंगे। वहीं केंद्र सरकार भी संसद में नीट समेत तमाम मुद्दों पर जवाब देने के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक जब विपक्ष नीट का मुद्दा उठाएगा तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हस्तक्षेप करेंगे और सवालों का जवाब देंगे। यही नहीं, विपक्षी दलों के नेता सोमवार को गांधी मूर्ति पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। ये प्रदर्शन केजरीवाल और हेमंत सोरेन के समर्थन और एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ होगा। नीट पेपर विवाद पर NSUI का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज बड़ी संख्या में NSUI के कार्यकर्ताओं ने NTA दफ्तर का घेराव किया और देखते ही देखते कई कार्यकर्ता NTA दफ्तर में घुस गए। NTA के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ ही NSUI कार्यकर्ताओं ने दफ्तर में ताला लगा दिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों से उनकी झड़प भी हुई। इससे पहले NSUI के कार्यकर्ता संसद का घेराव करने पहुंचे, मगर कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेटिंग लगा रखी थी। जब कार्यकर्ताओं ने बैरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई के हालात बन गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। संसद में सिंगोल पर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद R.K. चौधरी ने इस मामले में BJP की नियत पर सवाल उठाते हुए सिंगोल को राजदंड का प्रतीक बताया। साथ ही सिंगोल हटाकर संविधान की कॉपी लगाने की मांग की। जहां संसद चलती है वो संविधान चलती है और वहाँ पे संविधान के एक प्रति होनी चाहिए, न कि सिंगोल। R.K. चौधरी के इस बयान के बाद सियासत शुरू हो गई। RJD ने समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हुए कहा कि लोकतंत्र के दौर में सिंगोल राजशाही का प्रतीक है। ये डेमोक्रेटिक है, राजतंत्र रहा नहीं और वो राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसको हटाना चाहिए। वहीं BJP ने विपक्ष के नेताओं पर सिंगोल का अपमान करने का आरोप लगाया। ये वही मानसिकता है जिसने सिंगोल को कई वर्षों तक वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। आज जब उसे सही सम्मान और स्थान मिला है तो समाजवादी पार्टी, जो रामचरितमानस का भी विरोध करती है, उसके ऊपर भी अपमानजनक टिप्पणियां करती है। आज वो सिंगोल पर भी अपमानजनक टिप्पणियां कर रही है। दिल्ली में जारी जल संकट को लेकर BJP लगातार प्रदर्शन कर रही है। MCD की बैठक में आज BJP पार्षदों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। BJP के पार्षद सदन में बैनर पोस्टर के साथ साथ मटके भी लेकर पहुंचे और आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व BJP सांसद रमेश मिधूड़ी ने भी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया, हालांकि उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेटिंग की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। यूपी में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। लखनऊ से लेकर बरेली तक बुलडोजर कार्रवाई जारी है। इस दौरान भूमाफिया राजीव राणा के अवैध निर्माण को भी बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गिरा दिया। राजीव राणा पीलीभीत फायरिंग केस का मुख्य आरोपी भी है। बुलडोजर की कार्रवाई से राजीव राणा इतने खौफ में आया कि उसने खुद ही थाने में अपने परिवार के साथ सरेंडर कर दिया। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर CM योगी ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। CM योगी ने एक बार फिर कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता सुशासन स्थापित करना है। जीन